हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आज का जरा लेक्चर हैगा, ये हैगा ट्रिग्नोमेट्री विच क्वाड्रेंट सिस्टम दे उत्ते। क्वाड्रेंट सिस्टम दे उत्ते जरा लेक्चर है, ये बहुत फिजिक्स और मैथ दोनों दे विच बहुत ज़्यादा जरूरी हैगा। सो इसनों ध्यान नाल समझना थोड़े को, जे तुहानू ये समझ आ गया तो मैथमैटिक्स वाले मैथ विच पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्पलैक्स नंबर तो ट्रिग्नोमैट्री दी एक दो एक्सरसाइजिज आराम ना कर लैणगे, और जो फिजिक्स वाले स्टूडेंट्स ने थोड़े को जड़ा हैगा ये थोड़े को फिजिक्स ईजीली समझ पाएंगे। ठीक है जी। सो अगर थोड़ा मैथ बहुत अच्छा है ना तो थोड़ी फिजिक्स बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है जी। सो इस करके जड़ा है, इवन जेड़े बच्चे नहीं मैथ वाले हैगे, मेडिकल बैकग्राउंड वाले हैगे, ठीक है, उन्होंने भी बहुत बहुत जरूरी हैगा, तो वो भी जरूर इस लैक्चर को देख। ठीक है जी। तो अगर नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट को आंदा है लैक्चर तो मेडिकल वाले को भेज देना, अगर मेडिकल वाले को आंदा नॉन मेडिकल वाले को भेज देना। ठीक है जी। ता जो बच्चे काम लगे रहें। ठीक है जी। लॉकडाउन है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं। ठीक है जी। तो तुहानू सीरियल वाइज हर एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, बस जड़ा हैगा तुहाडे कोल लैक्चर ध्यान नाल देखते रहो। ठीक है जी। सो इस बेसिकली तीन रूल हैगियां जी तुहाडे कोल, आपां देखणे क्वाड्रेंट। जे तुसीं ना दसवीं विच करदे सी, दसवीं तुसीं एक सर्कल बना लैंदे सीगे। ठीक है, तुसीं सर्कल का चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट कहिंदे सीगे, क्योंकि तुसीं एरिया ऑफ सर्कल वाले बहुत सारे क्वेश्चन कीते होणगे। ठीक है जी। ड्राइंग नहीं देखनी भी सर्कल किदा का बनया हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी। सो जो तो फ्री हैंड आप बनाने तो कुछ इदा का ही बन जाता है, पर चलो सर्कल लगता तो है, ज़्यादा गुस्सा नहीं कर रहा। ठीक है। तो आपने सर्कल बना लिया, तो ये चार जड़े है क्वाड्रेंट्स होंगे ने तुहाडे कोल। जो पहला क्वाड्रेंट है 0 to 90 degree है। फिलहाल मैं डिग्री वाला सिस्टम लिख रहा वहाँ, मैं मान के चलता तुसी रेडियन नाल फैमिलियर होगे। जे रेडियन नाल फैमिलियर हो गए इतने तुसी 0 लिखोगे, इतने 90 लिखोगे। 180 नू पाई बोलते हैं, 270 नू पाई बाई 2 का 3 टाइम्स बोलते हैं, तो इनू 2 पाई बोलते हैं। और ये मैं मन के चलना लैक्चर 1 तुसी देख लिया होएगा। अगर तुसी लैक्चर 1 देखा है तो समझ लो तुहाडे पास जिहड़ा हैगा भी लैक्चर 2 दे विच जिहड़ा हैगा ये चीज़ तुहानू आउंदी है। ठीक है जी। तो जड़ा है तुहाडे कोल, तो पहला आपा चार क्वाड्रेंट हैं जी अपने को। पहला क्वाड्रेंट 0 to 90 degree तक है, दूजा 90 degree तो लैके 180 degree तक है, तीजा 180 तो लैके 270 degree तक है, तो चौथा 270 degree तो लैके 360 degree दे जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल वो है। तो अगर ये क्वाड्रेंट लै लिया आपां तुहाडे कोल, ठीक है, 90 90 दे चार पीस हैं, सीधी जी गल है तुहाडे कोल। ठीक है। तो आपां ये क्वाड्रेंट दे विच पहला तो रूल की है कि क्वाड्रेंट विच टी रेशोज याद किवें रखणियां ने। ठीक है, मैं इत्थे ए पाया, इत्थे एस पाया, इत्थे टी पाया तुहाडे कोल। ठीक है, इनू ए एस टी सी इनू याद करन दा हैगा आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज किसी ने होर सौखी तरह याद करना, ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है जी। तरीका तो याद करन दा ही है। ठीक है, तो याद करन दा तरीका हैगा तुहाडे कोल। सो पहला आपां ने लिख इहदी जिहड़ी कन्फिगरेशन है ए है एस है टी है। ठीक है, मतलब की होया, मतलब ये होया कि अगर आपां 0 to 90 दे विच हैगे आ, 0 to 90 दे विच हैगे आ, तो ऑल टी रेशो सानू पॉजिटिव रिजल्ट देणगियां। ऑल टी रेशो सानू पॉजिटिव रिजल्ट देणगियां मतलब की होया, मतलब ये होया तुहाडे कोल बई ऑल टी रेशो सानू पॉजिटिव रिजल्ट देणगियां दा मतलब हैगा है बई असी 10th च याद करिए, 10th विच तुहाडे कोल तुसीं इक टेबल याद कीता सी 90 तक वैल्यूज़ का, उस किसी वैल्यू की किसी भी चीज़ की जिहड़ी वैल्यू सी वो नैगेटिव नहीं सी, किसी भी टी रेशो की वैल्यू नैगेटिव नहीं सी। इहदा मतलब 0 to 90 विच हर टी रेशो तुहानू पॉजिटिव वैल्यू दिंदी है जे डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन के चक्कर च नहीं पैना है जी। ठीक है जी। उस तो बाद दूजा, दूजे दे विच एक साइन थीटा होएगा, एक इहदा उल्टा कोसीकेंट थीटा होएगा। मतलब जिहड़ा होएगा जिहनू आपां जिहदा आपां नेम रख्या गया जिहड़ा होएगा वो पॉजिटिव हुंदा हुंदा है,
बाकी जिहड़े चार बच गए वह नैगेटिव होणगे। माने साइन थीटा ते कोसीकेंट का सैकेंड क्वाड्रेंट घर है तो अपने घर हरेक बंदा पॉजिटिव हुंदा, दूजे नूं आके एडजस्ट करना पैंदा हुंदा, तो बाकी चार नैगेटिव ने। सो ए फॉर आल पॉजिटिव, तुहानूं मीनिंग समझ आ गया। आप एग्जाम्पल्स लैने अगे जाके, एस फोर जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल साइन थीटा, साइन का उल्टा कोसीकेंट थीटा हो गया। अगर थोड़ा साइन थीटा कोसीकेंट थीटा पॉजिटिव है तो बचे हुए चार नैगेटिव। मीनिंग की हुआ, मीनिंग ये हुआ 90 तो 180 डिग्री में साइन कोसीकेंट देखोगे तो आंसर पॉजिटिव देंगे, कॉस टैन बाकी सारे आंसर नैगेटिव देंगे। तीजी चीज़, तीसरा जिहड़ा हैगा तुहाडा तीसरा टैन है, तो इस विच टैन थीटा ते दा उल्टा कोटैन थीटा ये पॉजिटिव होंगे। चार जिहड़े बच गए वह नैगेटिव होंगे। नैगेटिव होने का मतलब की है 180 और 270 दे विच जिहड़ी भी वैल्यू आएगी टैन कोट की पॉजिटिव आएगी, बाकी सब की नैगेटिव आएगी। ठीक है जी। तो जिहड़ा लास्ट है, लास्ट सी एस सी का मतलब है कॉस थीटा, तो यदा उल्टा सीकेंड थीटा, ये पॉजिटिव होणगे तो बाकी चार नैगेटिव होणगे। तो यदा मतलब सानू क्वाड्रेंट सिस्टम बड़े ठीक ठाक ढंग ना समझ आ गया। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ए मैंने सारे पॉजिटिव, एस मैंने साइन थे वह उल्टा, ठीक है, बाकी चार नैगेटिव। मतलब बाकी चार चार जिहड़े बाकी तीन क्वाड्रेंट बचे ने, चार चार वैल्यूज़ नैगेटिव है, तो जिहड़ी हैगी है तुहाडे कोल जिहड़ी दित्ती हुई वैल्यू है वह पॉजिटिव है। ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे को, सो पहला रूल मेरा लिखे आफ्टर को आल पॉजिटिव। सो मेरा ख्याल है तुसी ये सारा समझ गए। दोबारा पैसे कागज़ से वापस आने, ठीक है। उस तो बाद जिहड़ा हैगा ये भी तुहानू पता लग गया भी टैन थीटा, ये भी तुहानू पता लग गया तुहाडे को, ठीक है जी। उस तो बाद रूल नंबर टू, तीन रूल ने जी। पहला रूल, असी लोकेशन जान लिए, लोकेशन जान लिए मैंने केड़ी टी रेशो कित्थे बैठी है, मिल गई जी लोकेशन। दूसरा रूल, अगर 90 ते 270 किसी टी रेशो च इनवॉल्व हुंदा है तो टी रेशो चेंज हुंदी है। 90 मैंने बाय बाय टू ते चेंज किवें हुंदी मैं एग्जाम्पल लैके दसदा, पर समझ लो कि अगर 90 या 270 तुहाडे क्वेश्चन विच आ गया तो टी रेशो ने चेंज होना, चेंज किवें होना, जे साइन हुई तो कॉस बन जू, कॉस हुई तो साइन, बोथ वेज लिखे मैं, टैन हुई तो कॉट बन जू, कॉट हुई तो टैन, सीकेंट होगी तो कोसीकेंट बन जू, कोसीकेंट हुई तो सीकेंट बन जू। यानी कि रूल नंबर दो तुसी की लिखे, 90 ते 270 नाल टी रेशो चेंज हुंदी है। सो 90 ते 270 नाल टी रेशो चेंज हुंदी है, रूल नंबर टू हो गया। पहला रूल की होया सारिया टी रेशोज़ की लोकेशन, दूजा रूल की हो गया 90 ते 270 नाल तुहाडे कोल जिहड़ी हैगी है टी रेशो चेंज हुंदी है। ठीक है जी। तो चेंज आपां ने लिख दित्ती, ठीक है जी। सो रूल नंबर तीन, रूल नंबर तीन है कि नैगेटिव थीटा अगर आ जाए तो आलवेज तुसी फोर्थ क्वाड्रेंट कंसीडर करना, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल कि अगर कॉस ऑफ नैगेटिव थीटा आ गया तो तुसी पहला चौथे क्वाड्रेंट पहुँचो, चौथे च कॉस हैगा, हाँ जी हैगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सी हैगा, अगर हैगा तो इन्हें बाहर नहीं जाना, कंज्यूम हो जाना, ठीक है। साइन ऑफ नैगेटिव थीटा आ गया, तुसी चौथे क्वाड्रेंट जाना इस नैगेटिव नूं हल करन लई। सो चौथे क्वाड्रेंट विच नैगेटिव, चौथे क्वाड्रेंट साइन हैगा नहीं हैगा, नहीं हैगा तो मतलब है नैगेटिव, तो जिहड़ा हैगा चौथे क्वाड्रेंट नहीं हैगा तो नैगेटिव बाहर हो जाना तो साइन हो जाना, ठीक है जी। पहली चीज़ ये समझ लो मैं हैगा या नहीं हैगा किसनों कहना वा। आफ्टर पहला ए, ए मैंने आल पहले सारे हैगे, आफ्टर स्कूल दूजे चापा क्या साइन, साइन तो कोसीकेंट थीटा हैगे है मतलब है उन्हों का पेरेंट क्वाड्रेंट है वो उत्थे पॉजिटिव ने, नहीं हैगे का मतलब है बाकी चार वैल्यूज़ नैगेटिव होनगियां, ठीक है जी। सो अगर नैगेटिव थीटा तुहाडा आ जाए तुहाडे कोल तां हमेशा चौथे च लिखना, तो जे बाय चांस तुसी इस रूल नूं छड्डना तो इस रूल नूं छड्ड सकदे हो, फिर तुसी सीधा मैमोराइज़ कर लो। सीधा मैमोराइज़ की करना, भाई साइन ऑफ नैगेटिव थीटा नैगेटिव साइन थीटा होंदा, फिर यदि लोड़ नहीं पैनी, साइन का उल्टा कोसीकेंट नैगेटिव थीटा ए नैगेटिव कोसीकेंट थीटा होंदा, कॉट नैगेटिव थीटा ए नैगेटिव कॉट थीटा होंदा, ठीक है। टेंजेंट नैगेटिव थीटा ए नैगेटिव टेंजेंट थीटा होंदा, कॉस नैगेटिव थीटा ए पॉजिटिव कॉस थीटा होंदा है, सीकेंट नैगेटिव थीटा ए पॉजिटिव सीकेंट थीटा होंदा है। सो चौथे क्वाड्रेंट सिर्फ दो टी रेशोज़ ने, ठीक है जी। जे दो टी रेशोज़ ने तो चौथे विच सिर्फ इन्हां दा नैगेटिव कंज्यूम हो गया या नैगेटिव अबजॉर्ब हो गया, बाकी चार चो बाहर निकले आंदा। सो जिहड़ा तीसरा रूल है, अगर तुसी तीसरा रूल नहीं याद करना या कन्फ्यूजन है माइनस हीट आलवेज इन फोर, तो बिल्कुल ना याद करो, उते कोरसपोंडिंग रूल नंबर तीन लई तुसी आ याद कर लो।
ਦੇ ਅਗਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਕਰ ਲਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਰੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਰਾ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਜੀ। ਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੇ ਰੂਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਕ ਲਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ 120 ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਚੇ, ਪਰ ਸਮਝ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕੋਸ 120 ਡਿਗਰੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ 120 ਡਿਗਰੀ ਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਇਆ, ਸੈਕਿੰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅਰੇ 90 ਤੋਂ ਅੱਗੇ 180 ਤੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ 120 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਆ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੋਸ ਹੈ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ, ਦੂਜੇ ਸਾਈਨ 'ਤੇ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਕੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚੋਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀਜ਼ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਕਿਨਾਰੇ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ 90 ਜਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਕੋਸ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਲੱਸ 30 ਡਿਗਰੀ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਮਾਈਨਸ 60 ਲਿਖ ਲਾਂ, ਕਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, 120 ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ, 2 ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਜਾਂ 90 ਹੈ ਜਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ 90 ਹੈ ਜਾਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ 90 ਹੈ ਤਾਂ 90 'ਚ 30 ਜੋੜੇ ਤਾਂ 120 ਬਣਦਾ, ਅਗਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, 180 ਡਿਗਰੀ 'ਚੋਂ 60 ਘਟਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 120 ਡਿਗਰੀ ਬਣਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਨਸਰ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਟੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡਡ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾ ਦਿਓ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੈ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ। 90 ਨਾਲ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯੈਸ। ਕੋਸ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਸ ਚੇਂਜਿਸ ਟੂ ਸਾਈਨ, ਪਿਛਲਾ ਉਵੇਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਰੋਲ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇਖਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਏ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕੋਸ ਦੂਜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90 ਨਾਲ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਸ ਤਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਸਾਈਨ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2 ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਵਿਦ 90। ਜਿਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ 90 ਅਤੇ 270 ਆਇਆ, ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕੋਸ ਬਣੂਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ 30 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਦੂਜੇ ਕੁਆਡਰੈਂਟ 'ਚ ਕੋਸ ਹੈ ਨਾ, 180 ਨਾਲ ਟੀ ਰੇਸ਼ੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣੀ 60 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 1/2, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਈਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਕੋਸ 60 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ, 1/2। ਸੋ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਹਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਹ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, 120 ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੇਜ ਹੈ, ਇਸ ਪੇਜ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਥ ਕੁਆਡਰੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਪੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ 120, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਡੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਹੁਣ ਕੋਸ 210 ਡਿਗਰੀ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਈਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਲੈਕਚਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ 2 ਘੰਟੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਫੋਨ ਦੇ ਅੱਗੇ
वो भी कल बैठ के बोली जाना थोड़ा जहा अजीब जहा लगता है। ठीक है भाई, तुम बोल रहे हो बस रिकॉर्डिंग चल रही है तुहाडे कोल, ठीक है। कई बार फैमिलियर नहीं हुंदा इन चीज़ों ना बंदा। सो ए वाला क्वेश्चन तो मैं पिछे सोल्व करके दिखा दिता, वारी आ गई कॉस 210 डिग्री। हुण कॉस 210 सब तो पहला अपने आप में एक सवाल पूछना है। सवाल की पूछना, 210 कित्थे हुंदा है? सो तुसी बनाओ, तुसी कहोगे भाई 180 तक आस या इत्थे तक होएगा। ठीक है जी, ना भी बनाना आना होवे, गिनती सब नूं आंदी, 180 तो बाद ही 210 आंदा है। उस तो बाद 210 जदों आ गया तां तुहानूं इह पता लग गया तीजे क्वाड्रेंट 'च है ना जी, थर्ड क्वाड्रेंट तुसी देख लिया। ठीक है, उस तो बाद तुहानूं इह पता लग गया तीजे सिर्फ एक टैन एक कॉट हुंदे ने, बाकी चार नैगेटिव हुंदे ने। बाकी चार नैगेटिव हुंदे आ दा मतलब की हो गया तुहाडे कोल भाई, जे मैं कॉस दी वैल्यू तीजे 'च कढ़नी है, टैन और कॉट पॉजिटिव सी, इहदा मतलब इस क्वेश्चन दा आंसर नैगेटिव पक्का आना। हो गया सवाल नंबर 1, क्वाड्रेंट चेक करना है। सवाल नंबर 2, पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है। सवाल नंबर 3, एक्सट्रीमिटी एक्सप्रेस करना है। अगर ये तीजे तीन चीज़ें आ गई बंदे नू, उस तो बाद कोई दिक्कत नहीं। हुण 210 है, तीजे क्वाड्रेंट है, तीजे क्वाड्रेंट के किनारे देखो कि ने 180 ते 270, 180 ते 270, 180 विच 30 जोड़ोगे, ठीक है, तां 210 बनता है। 270 चो 60 घटाओगे, 270 चो 60 घटाओगे तां 210 बनता है। पेपर में दोनों मैथड नहीं करके आने हैगे, ठीक है जी, एक ही करना है क्योंकि तुसी एक्सपर्ट हो जो इस करके जेड़ा हैगा तुहाडे कोल मैं ये वाला किया। ठीक है जी, सो हुण ठीक है, 180 कॉस तो है नहीं, तो नेगेटिव आ गया थर्ड क्वाड्रेंट का, फिर क्या कॉस का साइन बनूगा? ना उरे ना तो 90 है, तो ना जड़ा है तुहाडे कोल जड़ा है 270 है, टटी रेशो नहीं चेंज होनी, नहीं चेंज होनी, तो कॉस का कॉस है, एदा कम खत्म, ये 30 डिग्री। ठीक है जी, सो कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3/2 नैगेटिव आगे हैगा, ये 270 माइनस तीजे कॉस नहीं होंदा, बिल्कुल नहीं होंदा, 270 ना टी रेशो चेंज, टी रेशो चेंज मैंने कॉस का की बन गया साइन, तो साइन जड़ा हैगा तुहाडे कोल 60 डिग्री। ठीक है जी, तो जड़ा हैगा तुहाडे कोल साइन 60 तो वैल्यू टैली कर गया, जे टैली कर गया तो मतलब है कि सवाल तुहाडा ठीक है। सो मेरा ख्याल है जी तुहानूं समझ आ गया होएगा तुहाडे कोल, तो आप अगे चलिए। ठीक है जी, अगे चलिए, आप ले लिया साइन 315। ठीक है जी, अब साइन 315 ले लिया। लो तुहानूं इस तो पहले एक जिहड़ी हैगी है, एक तुहाडी ऑलरेडी तुहाडी नॉलेज एक चीज़ है, वह आपां तुहानूं दिखाईए। मान लो तुहाडे कोल बई तुसी सारे ना जिहड़ा हैगा है नवा पेज ले लिए आपां एक, ठीक है, तुसी सारे एमए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इहदा फार्मूला तुसी की पढ़ के आए सी 10वीं च, कॉस थीटा, मेरा ख्याल है भी 10th विच हुंदे ने। ठीक है, तो उत्थे तुहानूं की किया गया सी, उत्थे तुहानूं याद ही कराया गया सी भी साइन 90 माइनस थीटा जिहड़ा हुंदा कॉस थीटा हुंदा। ठीक है, अज आपां देखिए, चलो तुसी लिखिया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है जी, अब 90 माइनस 90 चो कुछ कट रहा, किहड़ा क्वाड्रेंट होएगा? फर्स्ट। ठीक है जी, फर्स्ट विच निशान की पैंदा है? पॉजिटिव। 90 ना टी रेशो की होंदी है? चेंज, साइन चेंजेस टू कॉस, इहदा कम खत्म, अगर थीटा हो, तुहानूं रीजन पता लग गया, एवें क्वाड्रेंट सिस्टम चलदा। ठीक है जी, सो 90 ते 270 ना टी रेशो चेंज होंदी है, तुसीं 10वीं च कीता साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, उत्थे याद ही कराया गया सी। अज रीजन देखो, पहले क्वाड्रेंट विच है, पहले क्वाड्रेंट विच तुसीं लिखिया साइन, ठीक है जी, ते जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल पॉजिटिव आऊगा क्योंकि पहले चाल पॉजिटिव है, तो 90 ना टी रेशो साइन चेंजेस टू कॉस, यदा कम हूँ खत्म हो गया, क्वाड्रेंट देखेंगे पिछले वाला लिखते ही, तो यह मतलब जे हूँ मैं साइन 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाता फिर की होंगे, अब साइन 90 डिग्री प्लस थीटा आ जाता तो फिर की होना सीगा, तुहाडे कोल क्वाड्रेंट 90 कुछ जुड़ गया, जो कुछ जुड़ गया तो किहदे विच पहुँच गए? सैकेंड क्वाड्रेंट विच। अगर सैकेंड क्वाड्रेंट विच पहुँच गए, सैकेंड साइन हैगा? हाँ जी हैगा, आफ्टर स्कूल साइन हैगा तो निशान किया गया पॉजिटिव। अब टी रेशो चेंज होनी है? हाँ जी, साइन का की बनूंगा? कॉस, ये तो कम खत्म है, कॉस थीटा, सो प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल ये चीज़ा आप करके आए हुए हैं तुहाडे कोल, तो तुहानूं एक होर लॉजिकल आइडिया मिल गया तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो आगे चलिए जी तुहाडे कोल, ठीक है, साइन 315
साइन 315, 315 270 तो अगे है, तो मतलब चौथा क्वाड्रेंट हो गया। चौथा क्वाड्रेंट का मतलब है चौथे साइन नहीं हैगा। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज मैंने कॉस ते सेकंड हैगा, नहीं हैगा तो मतलब नेगेटिव आंसर है, बस गल खत्म है। नहीं हैगा तो मतलब नेगेटिव आंसर है। सो यदा मतलब 270 प्लस 45 लिख लिए तो भी कोई हर्च नहीं, 360 विचों माइनस 45 कर दिए तो भी कोई हर्च नहीं। इतने आ गए जी आप, साइन चौथे च नहीं है, नैगेटिव आऊगा, गुड आऊगा। 270 टी रेशो चेंज करता, साइन की टी रेशो चेंज होगी क्योंकि कॉस बन गई 5/45 लिखते, ठीक है। एक ही कीता 360 चौथा, चौथे साइन नहीं है, नैगेटिव, टी रेशो चेंज होगी ना, पिछला लिख देना साइन 45 वैल्यू स्टडी करके, ठीक है जी। सो हो गया जी, आगे जोड़े क्वेश्चन है, अगर 360 तो वीडी हो जाए तो की होगा, कोई चिंता नहीं 360 तो वीडी हो जाए तो, अगर 360 तो वड्डी हो जाए तो की होएगा, ठीक है। तो जड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां क्या करना है, पहला तो अंदर नैगेटिव पाया इहदे, ठीक है, ध्यान नाल देखना, अंदर नैगेटिव पाया। और जदों मैं तुहानू रूल नंबर 3 समझाया सी, मैं तुहानू की कहा सी, कॉस और उहदा उल्टा, इहदा नैगेटिव कंज्यूम, बाकी सारे का नैगेटिव बाहर, सो इहदा नैगेटिव कंज्यूम हो गया, ठीक है जी, हो गया नैगेटिव कंज्यूम। चलो एक कम तो निपट गया। हुण साढ़े को जिहड़ा सिस्टम है ना, साडा एक सर्कल बनता है क्वाड्रेंट सिस्टम, असी सब 360 तक ही चल सकते होंने, मतलब 480 ज़्यादा लंघ गया अगे, तो असी 480 360 ना डिवाइड करता, तो डिवाइड थोड़ा सारे आता है, तो यह बन गया 360 × 1 प्लस 120°। हुण 360 × 1, 360 का कोई रोल नहीं है, 360 का रोल पता की है, भी एक गेड़ा पूरा घूम गया, एक गेड़ा पूरा घूम गया, 360 कंज्यूम, हुण आगे 120 जाना है, और साढ़े लिए सिर्फ आगे वाले 120 की वैल्यू है, ठीक है जी। तो साढ़े लिए तुहाडे कोल देखो फिजिक्स और मैथ दोनों चीज़ा चलनिया, ये ना असी नहीं अफोर्ड कर सकते तुहाडे को बई जिहड़ा हैगा बई तुसी कहो जी मेरा माड़ा जिहा भी डाउट रह गया, मेरा कुछ रह गया, नहीं असी अफोर्ड नहीं कर सकते तुहाडे कोल, घट्टो घट साइंसिस दे विच असी नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है जी। इहदा मतलब क्या हैगा तुहाडे कोल बई तुसी जिहड़ा हैगा ये ध्यान नाल समझना है, और जाते हुए मैं तुहानू होमवर्क लिख दिना, तुहाडे कोल शीट उत्ते लिख दिना, तुसी फाइंड करके देखियो तुहाडे को बई जिहड़ा हैगा की वैल्यूज आंदी, ईवन मैं आंसर लिख दूंगा, स्क्रीनशॉट लै लियो, ठीक है। तो कॉस 120° आ गया, सब तो पहला क्वेश्चन याद करो, कॉस 120° -1/2 सीगा, सो सब तो पहला क्वेश्चन आपां निकाल लिया, ठीक है जी। चलिए अगे, तो आगे आ गया साइन -1125, सो 1125 ना घबराहट नहीं होनी चाहिए, कारण 1125 क्या 1125 आ जाए चाहे 1125 आ जाए, डिवीज़न करनी आनी चाहिए 360 ते, आंदा नहीं घबराना नहीं, 1100000 नहीं आंदा, बट चलो कोई गल नहीं, जे तुसी कहो वड्डी वैल्यू आ भी जावे तो थोनू सिर्फ 360 तो नीचे वाला एंगल चाहिए। सो अंदर नैगेटिव आ गया जी, जो अंदर नैगेटिव आ गया तो नैगेटिव नू असी बाहर कढ़ दिता, जो असी नैगेटिव नू बाहर कढ़ दिता तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल साइन, ठीक है, नैगेटिव बाहर आ गया, साइन 1125 आ गया, ठीक है जी। सो 1125 360 नाल डिवाइड किया, 360 नाल जो डिवाइड किया तुहाडे कोल तां 45 पिछे बचदा, इहदा रोल खत्म खत्म, मैंने एक गेड़ा कढ़ लिया, दूजा गेड़ा कढ़ लिया, तीजा गेड़ा कढ़ लिया, तीन चक्कर असी मुका छड़े, ठीक है, डायग्राम ना देखना गलत मलत बनी हुई है, बस सिंपल याद रखना, तीन चक्कर आपां तुहाडे पास मुकाते, ठीक है, इत्थे तुसीं गाजा पा दो, तो इहदा मतलब सिर्फ 45 का कम है साढ़े को। सो माइनस साइन 45°, माइनस क्यों पिया हैगा तुहाडे को, ठीक है, इहदा कॉमन आ गया, असी क्वाड्रेंट नहीं देखे, अरे 45 ना क्वाड्रेंट की देखने, 45 की वैल्यू तो पहले ही पता आपां नूं, ठीक है जी। सो -1/2 आंसर आ गया तुहाडे को, ठीक है जी। सो लास्ट क्वेश्चन जी, हौसले नाल, कईयां दा हौसला डिग गया होएगा, ठीक है भाई, इन्नी लंबी तुहाडे कोल, अरे देखनी जे मुश्किल लगती है बनाने वाले तो पुछो तुहाडे को, ठीक है, जे ऑडियंस होवे ना फिर बंदा सुणांदा हुंदा वी पढ़ा रहा हुंदा फिर तां लगता, तो जे बंदा कल्ला ही बोली जा रहा बहुत औखा कम है, ठीक है। सो अगला क्वेश्चन है tan 19π/3, पाई च कन्फ्यूजन हो जाए, 180 नाल कर लो, 180 नाल कर दिती गुणा, क्यों डिग्री बना लो ना, डिग्री बना ली, फिर 19 नूं आपां ने 60 ना गुणा करनी है, 6 ना कर लो मगर 0 ला लो, हो गया 1140, 1140 नूं डिवाइड कर लियो तुहाडे को, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल 36 ते 108, 1080 बच गया, हथे 60 बच रहा, आ तो खत्म हो गया, क्वाड्रेंट क्यों नहीं देखे, यदा तो कोई रोल ही नहीं, 60 बज गया, 60 से की क्वाड्रेंट देखना, 60 की वैल्यू तो अपन पता है कि है।
सो मेरा ख्याल है जी तुहानू ठीक ठाक ढंग नाल समझ आ गए होंगे। फिर तुहाडे ओही एक रिक्वेस्ट है भाई, मैडिकल वाले स्टूडेंट्स नू ये चीज़ जरूर फॉरवर्ड करो, ठीक है जी। तो जे तुसी नहीं सबसक्राइब किया तो सबसक्राइब भी कर लो, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल जिन्हों भी अच्छा लगता है कुछ समझ आ रही है तो फिर सबसक्राइब कर हर्ज भी कोई नहीं गा तुहाडे कोल, ठीक है जी। हुण जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल मैं 1 अगस्त ते तुहानू फटाफट जिहड़ा हैगा वह होमवर्क लिख दिंदा वा, तुसी बाद चो दा जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल स्क्रीनशॉट लै लियो, ठीक है। नाल दी नाल जिहड़ा हैगा तुसी क्वेश्चन जिहड़े हैगे वह कर पाओगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो पहला कर लो तुसी साइन 780, साइन 780 ये कर लो तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा इहदा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3/2, चैक कर लियो एक बार साइन 780। उस तो बाद तुसी कर लियो टेंजेंट 765, ठीक है जी। तो ये वाला आ गया, इहदा जिहड़ा आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। जे कोई ना भी आया आंसर तो आपां चैक कर लाँगे, कोई रोले वाली गल बात नहीं। कॉस 390 डिग्री, कॉस 390 का अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, ठीक है जी। सो ये ख्याल रख लियो। चौथा क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडा कॉट 405 डिग्री, कॉट 405 डिग्री का आंसर तुहाडा 1 आ जाएगा तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल उस तो बाद, वैसे 4 क्वेश्चन बहुत हैं तुहानू समझ आउण विच, ठीक है। चलो एक अद्धा तुहानू मैं बुक चो होर लिखा दिंदा वा, ठीक है। वो क्वेश्चन की हैगा तुहाडे कोल कॉस 510 डिग्री, इहदा आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3/2 कोई, ठीक है जी। कॉस 330 डिग्री, कॉस 330 का आंसर आ जाएगा 1/2। सो ये तुसी करके देखना, जो कोई आंसर चेंज होया तो मैनू दस देना, ठीक है जी। थैंक यू।